साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए सेकंड T20I मुकाबले में क्वेंटन डिकॉक के बल्ले से रनों का तूफान आया। आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में 30 वर्षीय खिलाड़ी क्वेंटन डिकॉक के बल्ले से पहला T20 इंटरनेशनल शतक आया। महज 43 गेंद में इस खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। इस मुकाबले में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बना कि क्वेंटन डिकॉक ने महज 15 गेंद में 50 रन जड़ा था, जो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ा साउथ अफ्रीका का। तो वहीं वेस्ट इंडीज के बनाए 258 रन चेस किए साउथ अफ्रीका ने, वो भी 7 गेंद पहले। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। और इस मुकाबले में टोटल 258 और 259 यानी 517 रन बने, जो T20 के किसी मैच का टोटल सबसे ज़्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेंटन डिकॉक के 43 गेंद में लगाया गया उनका पहला इंटरनेशनल शतक। उनके पास मौका था सबसे तेज शतक लगाने का, लेकिन इस मौके पर चौका नहीं मार पाए। इससे पहले हमने देखा था जॉनसन चार्ल्स ने 46 गेंद में 118 रन की ताबड़तोड़ पारी 11 छक्के और 10 चौके की मदद से खेली थी इस खिलाड़ी ने। अभी देखा जाए तो 34 वर्षीय ये खिलाड़ी 40 मैच खेल चुका है T20 के, लेकिन अब जाके इनका सबसे बेस्ट स्कोर निकल कर सामने आया। और इनका साथ काइल मेयर्स ने भी दिया था, 27 गेंद में 51 रन उन्होंने ही बनाए थे। रोमारियो शेफर्ड ने 18 गेंद पर 41, 4 छक्के उन्होंने लगाए थे। और रोमन पॉल ने भी 2 छक्के लगाए थे, 19 गेंद में 28 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका चेस करने उतरी 259 रन, तो क्वेंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने महज 65 गेंद में 152 रन जोड़ लिए थे। पहला विकेट क्वेंटन डिकॉक के रूप में ही गिरा था। क्वेंटन डिकॉक ने 43 गेंद में अपना शतक कंप्लीट किया और 44वीं गेंद पर फिर से चौका छक्का मारने के चक्कर में कैच थमा बैठे विकेटकीपर को, यहां पर निकलस पूरन को। शानदार कैच पकड़ा था, 9 चौके और 8 छक्के इस पारी में थे। और 227 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी क्वेंटन डिकॉक ने। ये उनके करियर का T20 करियर का पहला शतक रहा। IPL में लगा चुके हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पहरा था। रीजा हेंड्रिक्स ने 28 गेंद में 68 रन 11 चौके 2 छक्के की मदद से मारे। रूसो ने भी 2 छक्के 1 चौका मारा 4 गेंद पर 16 रन। एडन माकरब ने 21 गेंद पर 38 रन 4 चौके 1 छक्के की मदद से। और हेनरी क्लासन ने 7 गेंद पर 16 रन 3 चौके की मदद से मारे। सबसे अच्छी बात यह रही कि क्वेंटन डिकॉक अब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और IPL के फैंस के लिए अच्छी बात है कि IPL के रोमांचक मुकाबलों में अब इनका दमखम देखने को मिलेगा। टेस्ट, ODI, T20, IPL सभी फॉर्मेट में अब शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं यहाँ पर क्वेंटन डिकॉक। तो इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड टूटे, जैसा कि आपको बताया हाईएस्ट टोटल चेज हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और इस चेज का पूरा श्रेय दिया गया क्वेंटन डिकॉक को, जिन्होंने यहाँ पर खेली 100 रन की पारी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 44 गेंद में। जॉनसन चार्ल्स ने भी बहुत अच्छी पारी खेली, उन्होंने तो बल्कि 11 छक्के लगाए थे। यानी इस खिलाड़ी ने सिर्फ 21 गेंद में यहाँ पर 106 रन बना दिया था, क्योंकि 10 चौके 11 छक्के वो भी खड़े खड़े, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। तो अब अगला मुकाबला देखते हैं जोहान्सबर्ग के मैदान पर कौन जीत पाता है। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।